क्या चोट सब नहीं। देखिएगा आज मैं बताऊंगा ट्रू कॉलर में जो वीडियो कॉल का ऑप्शन हट जाता है ना, तो उसे कैसे इनेबल करना है और कैसे ऑप्शन को शो करना है ना, वो आपको आज बताऊंगा। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, बट आप लोग ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन दबा देंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। और देखिए दोस्तों, आपको ना एक छोटी सी जानकारी होती है बट आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं ट्रू कॉलर की तरफ, और जैसे ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो वो हट जाता है। तो बट आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर अगर कोई भी कॉल लगाते हैं ना तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने यहाँ से बैक कर लिया और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सेटिंग क्या करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने बैक कर लिया। और देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, अगर आप प्रोफाइल का आइकन देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। बड़ी बात नहीं है बट सीखना ज़रूरी है, तो ये छोटी सी बात है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को आप। और ये देखिए आपको एक कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, और ये रहा कोने में सेटिंग का ऑप्शन, और ये एक आता है जनरल। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर एक हाईलाइट करने का ऑप्शन कॉलर आईडी आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कॉल लगाता हूँ क्योंकि मैंने तो बैक कर दिया, आप लोग देखे नहीं होंगे। यहाँ पर ये वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर जिससे म्यूट है ना यहीं पर वीडियो कॉल का आइकन दिखना चाहिए, बट नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर वही दिखाने का आज कोशिश करूँगा और आप लोग एक मिनट में वो प्रक्रिया कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, पहले आप अब नो वीडियो कॉल आ रहा था ना, आपकी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, फिर वही सेटिंग पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर कॉलर आईडी पर क्लिक करना है, मैं जिससे प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ना आपको वैसे ही करना है, कॉलर आईडी पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा बगल में एक क्लासिक पॉपअप, आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लासिक पे क्लिक करना है, बस हो गया आपका काम, ये ना आपका हो गया, जिसे पहले नॉर्मली था वैसे होगा। और कोई व्यक्ति कॉल करेगा उसका नाम भी आएगा, वो छोटी सी आइकन में दिखेगा डिस्प्ले में। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी नंबर से कॉल करते हैं वो शो करेगा, मेरे पास डबल सिम है तो डुअल दिख रहा है, बट मैं एक ही पे क्लिक करके इसको सेट कर देता हूँ। अब देखिए मैं वीडियो कॉल करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर आ चुका है वीडियो कॉल का आइकन। अभी कॉल जैसे लगेगा ना और वो उठाएगा व्यक्ति, यहाँ पर वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा अनहाइड दिख रहा होगा, बट जैसे वो अनहाइड हो जाएगा और यहाँ पर शो करने लगेगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आए हो ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोगों को अकॉर्डिंग वीडियो बनता है।